हिंदी फिल्मों का एक मशहूर गाना है कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। ऐसा ही एक वादा कुकसेत गांव के लोगों से उस वक्त किया गया था जब इनका पुनर्वसन किया जा रहा था। इनसे वादा किया गया था कि आपके लोग अगर ये गांव छोड़ के दूसरी जगह बस जाते हैं तो आपके बच्चों को आने वाले समय में यहाँ बनने वाली कंपनियों में रोज़गार दिया जाएगा। लेकिन दिन महीने और साल गुजरते गए, लेकिन कंपनियों ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण आज परेशान होकर गाँव के लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। सर, आप लोग यहाँ पर किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? जी, हमारा कुक्षेत गांव जो यहाँ था, हरी भरी खेती बाड़ी थी, वो ये कंपनी के लिए शासन ने ली थी, सरकार ने ली थी। उसे एवज में हमने उनसे नौकरी की गुहार लगाई थी। यहाँ से गांव भी हमारा विस्थापित किया गया है, जो कि सेक्टर 14 नेरुल वहाँ पर प्रस्थापित हुआ है। तो कई सालों से हमारी मांग रही है कि यहाँ पर जो नौकर भर्ती है, यहाँ पर रोज़गार जो है, वो हम स्थानिक भूमिपुत्रों को दिया जाए। क्योंकि ये मांग के तहत 2016 में इन्होंने राइटिंग में हमसे वादा भी किया कि ज़रूर यकीनन आगे आने वाली भर्ती में आप लोग को प्रावधान रखा जाएगा। पर आज वो 16 से लेके आज 21 आ गया, 5वां साल चालू है, फिर भी कंपनी अपना वादा नहीं निभा रही है। तो कई यहाँ जाके ऐसा अन्याय की भूमिका ये ले रही है, तो इसी अन्याय के खिलाफ हम लोग आज अनशन पर बैठे हुए हैं कि हमें न्याय दिया जाए, हमारा राइट्स, हमारा अधिकार हमको बतौर दिया जाए, नौकरी के रोज़गार के माध्यम से दिया जाए। सर, कितने साल हो गए आप लोगों को अपने गांव छोड़कर, और अब तक कंपनी ने किसी भी व्यक्ति को रोज़गार दिया है या नहीं? 96-95 का ऑर्डर है, 96-97 में प्रोसेस हुई है गांव छोड़ने की। तो तकरीबन अभी 2021 चल रहा है, मतलब 22 साल पूरे हो चुके हैं गाँव छोड़ के। 22 सालों में इन्होंने गिने चुने लोगों को भी, मतलब एका दुक्का दुक्का को भी नौकरी नहीं दी है, जबकि भूमिपुत्र करके हमारा अधिकार जो है इन्होंने बकाया हमारे साथ अन्याय ही किया है। तो यही न्याय पाने की कोशिश आज हमारी चल रही है। आज हम सोचते हैं कि इतना बड़ा प्लांट है, हमारी गांव की ज़मीन वैकेंट पड़ी है, अगर आज ये इनका ऐसा तरीका है तो फ्यूचर में हमारे भविष्य को क्या ये संवारेंगे। तो इसी प्रश्न को लेके आज ये गंभीर स्वरूप का प्रश्न है, और इसी के लिए हम ये गेट पे बैठे मैनेजमेंट की राह देख रहे हैं, वो बातचीत करें, उसमें से हल निकालें। यकीनन आने वाले भविष्य में कुक्षेत ग्रामस्थों के, युवकों के लिए अच्छा दिन आने के लिए आज का हमारा संघर्ष है। सर, इतने सालों में आपने प्रशासन से कोई शिकायत किया, प्रशासन से कोई आपको वादा मिला कि आपको यहाँ पर रोज़गार दिया जाए? निश्चित लिखित वादा है, 2016 का इन्होंने लिखित वादा किया हुआ है, उसके बाद 2018 में अंडरस्टैंडिंग जो मीटिंग हुई थी उसमें लिखित है, पर लिखित है पर उसको एक्चुअल में नहीं उतारा जा रहा है, सच्चाई में नहीं लाया जा रहा है, सिर्फ कागज पर लिखित है। तो वो एज बार हो रहे, जैसे कि मेरे पीछे बैठे ये इंजीनियर है, ये बंदा ग्रेजुएट है, इलेक्ट्रिकल आईटीआई है, यहाँ ग्रेजुएट बैठा है, वो ग्रेजुएट बैठा है, इसका तो मेडिकल हो चुका है, ये ग्रेजुएट बंदा बैठा है, तो डिग्री लेके बैठे तो किसकी राह देख रहे हैं? कंपनी वैकेंसी है, डिग्री होल्डर बैठे हैं, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? अक्सर कंपनियां कहती हैं कि योग्य लोगों को रखेंगे, आपके पास योग्य लोग हैं क्या? उसके बावजूद तो लोग काम पे नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पे मेरे हाथ में उनका पेपर है जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भर्ती का लिखा गया था, उसमें वॉचमैन की नौकरी के लिए 10वीं पास लिखा गया था, सीनियर वॉचमैन के लिए ग्रेजुएट लिखा गया था, 8-8 गाँव से ग्रेजुएट वहाँ पे गेट पे गए थे, कहा किसको लिया गया है?
उनको गाँव वालों के साथ अन्याय ही करना है, इसके लिए ये भूमिका उनकी है। सुबह से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब तक कंपनी के किसी अधिकारी ने आपसे कोई बातचीत की है? बिल्कुल नहीं की है। मुजोर प्रशासन है और हम भी उतने डट के बैठे। आज हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत नहीं, हिंदुस्तान के दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती है, उनसे प्रेरणा मिलती है लड़ने की, और उनका जयंती के दिन उनके नाम से हमने लड़ाई शुरू की है। निश्चित तौर पे हम भी देखेंगे कि कंपनी में कितना जोर है और हम में कितना जोर है। सर, इस बार आपकी क्या मुख्य मांग रहे हैं, क्योंकि पहले भी आपको लिखित में वादा किया गया और काम नहीं दिया गया, अब इस बार आप लोग किस तरह से अपनी मांग रखेंगे ताकि आप लोगों का हमेशा के लिए लड़ाई ख़त्म हो जाए और आपके लोगों को काम भी मिल जाए? बाकायदा करारनामा करना पड़ेगा कंपनी को। बाकायदा करारनामा समझते हैं, जिसको लीगल एग्रीमेंट की हमें अपेक्षा है। आप आज जगह नहीं ना तो लीगल एग्रीमेंट कराओ कि जब भी जगह हो तो हम ये बढ़ के लेट के लड़के नहीं चाहिए हमें। वो कागज़ ही रहे, संविधान रहे संविधानिक तौर पे, कि वो कागज़ दिखाए तो हमारा बंदा अंदर काम पे आ जाए। तो लीगल एग्रीमेंट के लिए हम लोग यहाँ मांग लेके बैठे। तो आपने देखा कि इन लोगों ने किसी आस में विश्वास में अपना गांव छोड़ा था, लेकिन अब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इस तरह कह सकते हैं कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अब देखना होगा कि कंपनी इनकी बातों पर कितना यकीन करती है और किस तरह से इनकी बातों को इम्प्लीमेंट करती है। कैमरा पर्सन रविचंद के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।